स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम वैपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे व्हाई आर वी अलोन, क्योंकि हम लोग अकेले हैं, दिख रहा है कोई और नहीं है, ऐसा क्यों है, कोई और एलियन क्यों नहीं है, कोई और सिविलाइजेशन क्यों नहीं है, ये आज का स्टेटस है। तो ऐसा स्टेटस क्यों है, तो यहाँ पे ये समझिए, तो मैथमेटिकली बात समझते हैं कि क्या एलियंस होने चाहिए। तो मैथमेटिकली स्पीकिंग हर जगह होने चाहिए, हर जगह, हर गैलेक्सी, मतलब ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि हर एक प्लैनेट में हो, लेकिन मतलब हर एक सोलर सिस्टम में होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए सारे सोलर सिस्टम में भी ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट कहीं अगर 100 सोलर सिस्टम का सैंपल लेते हो तो उसमें 4-5 तो निकल ही आना चाहिए, और मिल्की वे का सैंपल लेते हो, गैलेक्सीज का सैंपल लेते हो, तो इतने ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, जैसे कहा जाता है कि 10^18 इतने प्लैनेट्स तो हमें दिख चुके हैं। तो होना चाहिए भाई, किसी भी हालात में, किसी भी मैथमेटिकल ड्रेक इक्वेशन का रेशियो में आप चलोगे, होना ही चाहिए, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, एल्स इफ नहीं है, ये होना ही चाहिए। और फिर एक बात हो सकता है, मे बी दे आर हिडन। तो यहाँ पे समझिए, अगर कॉर्डेसेव स्केल नंबर 2 या नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, लेवल 2 या 3 के बारे में बात करें, इसको हाइड करना इम्पॉसिबल है, प्योर इम्पॉसिबिलिटी, और कोई रीज़न नहीं है उसको हाइड करने का। तो ये ऐसी बात होगी कि आप स्टार को हाइड कर दिया, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, साइंस फिक्शन के लिए बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल नहीं होता और रीजनेबल भी नहीं कि क्या है जिसके कारण से आप ये करेंगे। और रहा बात कि अगर आप जैसे डाइसन स्वॉर्म बना देते हो कि पूरा स्टार का एनर्जी कैप्चर करने लगता है, तो भले आपको सुनने में लगेगा कि अच्छा होता है एनर्जी कैप्चर कर लिया, दिखेगा नहीं स्टार, ये बस ये स्टार नहीं दिखेगा, लेकिन जितना एनर्जी वो कंज्यूम किया, 100% एनर्जी वेस्ट हीट में बदल जाता है ओवर टाइम, एक शॉट में नहीं बदलेगा, लेकिन ओवर टाइम वो 100% एनर्जी वेस्ट हीट में ही निकलेगा। आप जैसे LED जलाते हैं, LED से जो फोटॉन्स निकलते हैं वो हायर एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, लेकिन वो फोटॉन घिस जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, एक दो पीढ़ी के बाद वो फिर से इंफ्रारेड में रिलीज हो जाएगा। तो घूम फिर के सारा एनर्जी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो 4-5 साइकिल के बाद वेस्ट हीट के तौर पर निकल जाता है। तो हिसाब वही बन जाता है कि वो पूरा स्टार का वेस्ट हीट अभी भी दिखेगा। स्टार का अगर एनर्जी आउटपुट था एक्स, तो एक्स आउटपुट जो है आपको इंफ्रारेड वेवलेंथ में मिल जाएगा कि एनर्जी यहाँ वेस्ट हीट में बदला जा रहा है, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इसे बोलो छिपाना पॉसिबल ही नहीं है। और ये समझिए कि अभी तक जितना भी चीज़ हम लोग खोजे हैं, चाहे वो वाओ सिग्नल हो, चाहे सैटेलाइट डी ऑर्बिट हो रहा है, जो मतलब रीऑर्बिटल डिब्री है उसको एलियन 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 करने लगे, कुछ नहीं मिला है। और मैं मिलने का यहाँ पे ऐसा बात कर रहा हूँ कि ओ इन्होंने छिपा लिया, इन्होंने वो कर लिया, नहीं, शुद्ध शुद्ध, जैसे कि चांद दिखता है, जैसे कि मार्स दिखता है, जैसे कि वीनस दिखता है, शुद्ध, ऑप्शनल नहीं, एल्स इफ नहीं, हिडन सीक्रेट नहीं, शुद्ध। तो हिसाब यही है कि अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, फ्लैट आउट जीरो, ये भी बेस्ट केस सिनेरियो माना जाता है, वो भी मतलब एट बेस्ट ब्लिप है, और वो ब्लिप हो सकता है बहुत सारे नेचुरल कॉजेस से हो सकता है, हमें अभी कोई कॉजेस नहीं पता जो इसको कर सके, या हमारा ही कोई वेव्स रिफ्लेक्ट किया हो कहीं से, नहीं पता। लेकिन वही समझ कि हम लोग जितना टाइम से खोज रहे हैं दिख जाना चाहिए कुछ ना कुछ, तो ये रियल फैक्ट है अभी के टाइम में। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा आते हैं मैथमेटिक्स में, जिसपे एक चीज़ हम लोग बार बार थोड़ा भूल जा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है यूनिवर्स में। वो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि यूनिवर्स का जो साइज़ है, जो स्केल है, वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि नंबर से इसे डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, कोई भी ह्यूमन माइंड या ब्रेन नहीं इसको कंप्रीहेंड कर सकता, ह्यूमन्स इतने बड़े नंबर्स में डील नहीं करते, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसीलिए इसे बोला जाए स्टूपिडली ह्यूज है, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश मत करो। हम लोग भले ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक तो बबल बना सकते हैं, बट वो उसके बहुत बाहर जाता है वो, तो हिसाब ये है कि ट्राई नहीं करना है। कुछ कुछ चीज़ के लिए इंसानी दिमाग नहीं बना है, ये उसमें से एक चीज़ है, इसको लोड नहीं लेना है। और फिर ये समझिए कि इस स्केल पे जब आप बात कर रहे हैं, चले मिल्की वे का ही स्केल आप ले लेते हैं, तो जो हमारा स्पीड है यानी कि लाइट स्पीड, ये लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, यानी कि लाइट भी फुल स्पीड पे चले, फुल टाइम पे चले, यानी कि मतलब डिस्टेंस ऐसा नहीं कि एक्सेलरेट किया डीसेलरेट किया, वो ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली वो फुल पे भी चले तो भी वो बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो। और लाइट स्पीड इसलिए है ना कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फंडामेंटल लिमिट ऑफ एवरीथिंग है, यानी कि आप कुछ भी करते हैं, कॉज एंड एक्शन जो होता है, एक्शन एंड रिएक्शन जो होते हैं, वो सारे लाइट स्पीड के अंदर हो सकते हैं, उसके बाहर नहीं हो सकते। यानी ये आप समझिए कि ट्रिक करने का, आप ट्रिक कर सकते हो कि अगर एक गैलेक्सी इधर चल रहा है, ठीक है, एक्स प्लस डायरेक्शन में वो जा रहा है, दूसरी गैलेक्सी एक्स माइनस डायरेक्शन पर जा रही है, और दोनों 0.7c पर चल रहे हैं, यानी कि लाइट स्पीड का 70% पर चल रहे हैं, तो आराम से बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़रूर बढ़ेगा लाइट स्पीड से ज़्यादा। तो अगर ऑब्जर्वर एक जगह से दूसरे को देखेगा, उसे जो डॉपलर शिफ्ट का डेटा मिलेगा, उसे लगेगा भाई ये तो लाइट स्पीड से आगे चल रहा है। कारण वही है कि दोनों के बीच की दूरी लाइट स्पीड से ज़्यादा स्पीड से एक्सपैंड कर रही है, ना कि लाइट स्पीड आप ब्रेक कर पा रहे हो, लाइट स्पीड आप नहीं ब्रेक कर सकते। कॉजालिटी कभी भी आपको ये अलाउ नहीं करेगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दिया जाता है कि लेज़र जो है आप मारते हो मून पे, ठीक है, और आप उसे घुमाते हो, तो आपको तो दिखेगा ना डॉट बहुत स्पीड से, वो डॉट जो है मून पे वो तो फुल स्पीड से गया, वो मतलब A to B जो है, आपने तो बस यहाँ माइक्रोमीटर्स में हिलाएंगे, वो उधर से उधर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर
हो जाएगा, अब वो स्पीड, वो डॉट का ट्रैवलिंग स्पीड लाइट स्पीड से ज़्यादा होगा, तो इसका कोई यूज़ है नहीं। क्योंकि अगर उस डॉट का कुछ भी आप इस्तेमाल करने की कोशिश किया, आपको कम्युनिकेट करने पड़ेगा ग्राउंड में, वहाँ पे लाइट स्पीड बोलेगा कहाँ बेटा कहाँ उड़ रहे हो। कॉजालिटी आपको कभी भी ये अलाउ नहीं करेगी कि लाइट स्पीड से आप आगे चल सको, जहाँ एक्शन और रिएक्शन हो सके। आउटकम आप निकाल सकते हो कि भैया तुम इधर चलो तुम उधर चलो, बीच का गैप हम बढ़ा रहे हैं, इसे कहते हैं स्पीड ऑफ डार्क समझ लीजिए, उस टाइप का लॉजिक हो जाता है। लेकिन कॉजालिटी लाइट स्पीड से आगे नहीं जा सकता। आप एक डंडा लेते हो कि बहुत लंबा डंडा लेते हो और उसको आप ऐसे घुमाने की कोशिश करते हो, तो उसके एटम टू एटम कम्युनिकेशन लाइट स्पीड पे होता है। तो यानी कि उसका टिप जो है अगर बहुत लंबा, जैसे मान लीजिए लाइट ईयर्स में लंबा है, तो वो टिप मूव करेगा लाइट स्पीड के अंदर ही। तो वही समझिए, उतना अगर बड़ा चीज़ आप सही में बनाते हो तो उसका स्पेस टाइम कंटिन्यूम ही उसके अंदर त्रिकोण खेलने लगेगा, जनरल रिलेटिविटी की जगह पे स्पेशल रिलेटिविटी चल जाएगा। तो हिसाब वही रहता है कि कुछ भी हो जाए लाइट स्पीड के अंदर रहना है। और यही समझिए कि हम लोग कभी दूर नहीं रहते, कि जैसे मैं अल्फा सेंचुरी आज देख रहा हूँ, तो मैं अल्फा सेंचुरी आज थोड़ी देख रहा हूँ, मैं अल्फा सेंचुरी 4 साल पहले देख रहा हूँ। ये समझना बात ज़रूरी है कि ये दोनों इंटरलिंक्ड है, जितना दूर आप देखते हो उतना पीछे देखते हैं। ये हम लोग जनरली हबल टेलीस्कोप जैसा जब बात होता है या जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बात होता है तो समझ लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एलियन पे भी यही रूल लागू होगा। यानी कि जैसे ये गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो एक मैसिव गैलेक्सी है, जो मतलब दिख जाता है कुछ कुछ जगह पर, मैंने आज तक नहीं देखा है, कुछ कुछ लोग कहते हैं इतना, कुछ कुछ जगह है जो एकदम लाइट पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पर ये कभी कभी दिख जाता है सही वेदर होने पे, मैंने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन ये समझिए मेजर गैलेक्सी है, एक दो तो माइनर गैलेक्सीज भी इधर उधर हैं जो नज़दीक हैं, लेकिन ये मेजर गैलेक्सी जो नज़दीक है, तो कितना नज़दीक है, ये लाइट स्पीड पर चल रहा है। जैसे मान लीजिए वहाँ से आपने एक लॉन्च क्राफ्ट लिया, वो क्राफ्ट लाइट स्पीड पर चल रहा है ऑलमोस्ट, तो उसको कितना साल लगेगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी से यहाँ आने में? 25370 लग जाएंगे। यानी कि अभी के टाइम में, जैसे कि मान लीजिए आप लोग जाइए टाइम ट्रेवल कीजिए, बिग बैन में जाइए, बिग बैन में सबको घड़ी बांट दीजिए, सारे गैलेक्सीज को घड़ी बांट दीजिए, उस घड़ी में जब आज हो रहा होगा, यानी आज का टाइम एंड डेट चल रहा है वहाँ पे, ये समझ लीजिए आज से उन्होंने स्केल 2 बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, कार्डोसेव स्केल 2 बनाना शुरू, या 3, या पूरा गैलेक्सी ही संभाल लेंगे, कार्डोसेव स्केल 3 पे पहुँच गए, ठीक है। अब रहा बात कि आपको कब पता चलेगा कि ये हो गया, यानी कि अर्थ के ऑब्जर्वरों को पता चला। अब देखिए दोनों टाइम सिंक्ड है, मैंने बिग बैन से टाइम सिंक करवाया तो दोनों का टाइम सिंक है, तो आपको पता कब चलेगा? आपको पता चलेगा लगभग 2 मिलियन ईयर्स बाद। 2 मिलियन पहले अगर हम लोग चल जाते हैं अपने पास में, तो ये आते हैं ड्रैगन फ्लाई बड़े बड़े, तो समझ रहे, इंसान तो छोड़ दीजिए, मैमल्स भी नहीं थे ठीक से। तो यही कॉन्टेक्स्ट रहता है कि आप गैलेक्सीज तो छोड़ ही दीजिए, अगर कोई आपको बोलता है ना, जैसे बोलना एक सबसे नज़दीकी मेजर गैलेक्सी मिलियंस ऑफ ईयर में, यानी कि वहाँ आज कुछ भी हो रहा, वहाँ मान लीजिए आज के टाइम में, मतलब एक एब्सोल्यूट क्लॉक बनाई है यूनिवर्स के लिए, वो क्लॉक में आज के टाइम में इंसानियत, हम आप ऐसे बात कर रहे हैं, वो लोग अभी कार्डोसेव स्केल नंबर 3 पे होंगे, हमें पता नहीं चलेगा, लॉ ऑफ फिजिक्स अलाउ नहीं करता इसको करने के लिए। कुछ भी हो जाए, ग्रेविटी भी लाइट स्पीड के लेवल पर चलती है, उससे ना तेज चल सकती है, उससे कुछ भी आगे नहीं जा सकता। तो हिसाब वही रहता कि हमें पता नाउ का भी कोई मतलब नहीं होता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप देख लेते हो कि 10 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पे आप कोई गैलेक्सी देखते हो, तो आप 10 बिलियन ईयर पीछे देख रहे हो, कुछ नहीं दिखने वाला उसमें, वो गैलेक्सी उस टाइम फॉर्म हो रहा होगा, जो कि हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप पे दिखता है। हमारा अंडरस्टैंडिंग यही कहता है कि जब भी आप पूरा मतलब दूर देखोगे, बहुत बढ़िया टेलीस्कोप लाके दूर देखोगे, आपको और अर्ली स्टेजेस में गैलेक्सी दिखेंगे, अर्ली स्टेजेस में मिल्की वे मिलेगा, और वो मिल रहा है। तो वही समझना है कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस दोनों जो है, ये हमें सील कर देता है कि हम लोग कितना भी हाई तौबा कर लें, इसे ब्रेक नहीं कर सकते। बोले कि आप कितना भी कर लीजिए, आप नहीं जान सकते आज एंड्रोमेडा में क्या हो रहा है, आज आप जान ही नहीं सकते। आप बस बेस्ट के सिनेरियो है कि 2.5 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, या 2.53 ऐसे करके मिलियन ईयर्स कहा जाता है। तो वही समझिए कि 1 लाइट ईयर, जब भी आप सुनते हैं ना, दिमाग में ये बात जरूर समझिए कि 1 ईयर इन पास्ट ऑल्सो है। लाइट ईयर जो है टाइम और डिस्टेंस दोनों एक साथ बताता है, यानी कि आपको बोलते हैं कि वो 100 लाइट ईयर की दूरी पे है, तो उससे जो भी लाइट आप आज देख रहे हो, यानी कि आपने टेलीस्कोप लगाया 100 लाइट ईयर की दूरी पे, आप जो देख रहे हो वो 100 ईयर इन पास्ट देख रहे हो। अगर वो मतलब जैसे कोई मान लीजिए स्टार है, दूसरा स्टार है, वो वहाँ पे नहीं है जहाँ आप देख रहे हो, वो वहाँ से 100 साल आगे, उसका ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट कीजिए, वहाँ पे अभी है। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई इंस्टेंटेनियस ट्रैवल होता कि हम यहाँ से जब प्लग झपके और वहाँ पहुँच गए, हम लोग को वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्यों भाई, वो तो 100 साल हो गया सर, वो तो बीत गया, वो टाइम बीत गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस दोनों पे लगा हुआ है, तो लिटरली एक लिमिट कर देता है कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक ही हम लोग संभाल सकते हैं। बहुत लंबा डिस्टेंस का बात करेंगे डिस्कशन नहीं है, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप एकदम ढप्पा मार लिए इधर, एकदम लाइट से तेज चल गए, बट रियलिस्टिक नहीं है। तो ये होता है लॉ ऑफ फिजिक्स पे। अब बात करते हैं FTL, सबसे इंटरेस्टिंग सोल्यूशन इसका यही आता है कि फास्टर देन लाइट ट्रेवल। और ये समझिए कि ये दिखता बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया दिखता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो एक्सपेंस बोल रहा हूँ, ये फाउंडेशन टीवी सीरीज में किया गया था, मतलब कि किसी आर्टिस्ट को ढंग से टाइम दिया गया था, बेटा तुम बनाओ, बजट का मत सोचो, जितना रेंडरिंग टाइम लेना है लो, हम बनाओ, बढ़िया से बनाओ,
बहुत अच्छा, बेमिसाल, दिल खुश कर देने वाला, मतलब थोड़ा एक्चुअली यूनिक लगता है। ये लाइट्स पे बना लिया, बहुत बढ़िया दिखता है स्क्रीन सब पे। स्टार वॉर्स ने स्टार्ट किया था, उससे पहले स्टार ये समझ लिया स्टार ट्रैक चल रहा था, तो ये सब बहुत अच्छा दिखता है। और स्टोरी टेलिंग बिना इसके नहीं होने वाली है, होना ही नहीं है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन लॉ जो है ना, सीधा बोलता है, कॉजालिटी नहीं ब्रेक कर सकता। आप कितनों हाई तोबा कर लीजिए, बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि आप पास्ट देख सकते हैं, फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। आप पास्ट जाके अल्टर नहीं कर सकते और फ्यूचर से रिटर्न नहीं कर सकते, मतलब वही हो गया कि पास्ट नहीं आप आ सकते। तो लॉज ऑफ फिजिक्स है जो सीधा नोप कर देता है, इसमें कोई भी एल्स इफ कंडीशन। हम लोग मार ट्रिक निकाल रहे हैं मैथमेटिकली कि अच्छा ये वॉर्ब बना लेंगे ना, अल्क्यूबेरा ड्राइव कर लेंगे, हुलुलु हो जाएगा, झिंगाला। लॉ बोल रहा है हाँ बेटा हाँ हाँ, और उछल और एकदम कोई टेंशन नहीं एकदम। तो हिसाब वही समझिए कि अभी तक जितना हमारा कॉजैलिटी का अंडरस्टैंडिंग है वो सीधा कहता है नहीं, डिस्कशन ही मत करो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैथमेटिक्सली करना चाहते हो अच्छी बात है, दिमाग के लिए मेंटल एक्सरसाइज है, बट कोई एक्चुअल प्रैक्टिकल नहीं है। तो और उसका एक दूसरा एक प्रूफ, जो हमारा जो यूनिवर्स खाली है, ये उसका एक्चुअली एक प्रूफ बन जाता है। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई भी स्पीशीज लाइट स्पीड से ऊपर चली गई, तो कितना ऊपर गई, ऑब्वियसली अब कोई फायदा नहीं होने वाला कि लाइट स्पीड से आप सिर्फ 1-2% ऊपर गए हैं। मतलब कि 1C के जगह पे आप 1.1C पे पहुंच चल रहे हो, तो कोई बहुत बड़ा तो फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 1C पे टाइम स्लो हो ही जाता है। तो अगर आप एक्चुअली मान लो कोई जैसे कि स्टारगेट टीवी शो में था कि उनका शिप्स जो था वो उसका लो ग्रेड स्पीड पे वो रिलेटिवली चल सकता था, यानी कि 0.9C पे चल सकता था, तो एक्चुअली गैलेक्सी क्रॉस कर सकता था, बहुत धीरे करेगा। लेकिन चूंकि टाइम अंदर नहीं बीत रहा है, तो वो आराम से एक्चुअली ये कर सकते थे, क्या बोलते हैं, मतलब ट्रैवल कर सकते थे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ स्पैन, क्योंकि टाइम इतना शिप के अंदर स्लो हो जाएगा रिलेटिविटी के चलते। तो अगर कोई स्पीशीज है जो ऐसे वॉक ट्रैवल बना लेता है, या हाइपर ड्राइव बना लेता है, या जंप ड्राइव बना लेता है, तो वो ये रूल का लिमिटेशन के बाहर चला जाता है, वो आराम से ढप्पा मार सकता है। तो उसका क्या मतलब था? वो कुछ 100 साल के अंदर पूरा यूनिवर्स का संभाल सकते हैं पूरा। और अगर मान ली बहुत ज़्यादा लाइट स्पीड नहीं है कि मतलब गैलेक्सी टू गैलेक्सी जंप नहीं मार पाते, लेकिन मतलब स्टार टू स्टार इंटरस्टेलर जंप कर सकते, इंटरगैलेक्टिक नहीं जंप कर सकते, तो भी वो गैलेक्सी पूरा पचा जाएंगे, तुरंत पचा जाएंगे, क्योंकि बहुत स्पीड से मतलब एक से दूसरे जगह गए, ढप्पा मारे, काम किए। अगर एक लाइफ स्पैन के अंदर हो, स्पीशीज कुछ भी हो, उसके लाइफ स्पैन के अंदर अगर काम होने लगा, तुरंत ढप्पा मार जाएंगे, पूरा का पूरा गैलेक्सी पचा जाएंगे ये लोग। तो ये समझ, वैसा हमें दिख नहीं रहा, इतनी सारी गैलेक्सी दी है, उसमें कोई भी गैलेक्सी पचाया हुआ नहीं है। और हाँ, ये सीरियस समस्या है कि हो सकता है कि हो चुका है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि मान लीजिए किसी अभी बताया एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो 2 मिलियन ईयर्स बाद हमें पता चलेगा कि आज वहाँ क्या हो रहा था। तो हो सकता है कि 1 मिलियन साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कोई ऐसा सिस्टम हो जाए जो FTL बना ले, फिर पूरा पचा जाए, हमें तो तब भी नहीं पता चलने वाला। तो ये एक दूसरा लिमिट आता है कि ऐसा हमें दिख नहीं रहा। तो वही है कि गैलेक्सीज जो है कहता है कि भैया फास्टर देन लाइट ट्रेवल नहीं होगा, नहीं होगा सर, मतलब पिक्चर के लिए बहुत अच्छा है लेकिन नहीं होने वाला। अजी नया होगा, फास्टर देन लाइट नहीं होगा। अब बात करते हैं ग्रेट फिल्टर का। तो ग्रेट फिल्टर में हिसाब ये आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बायोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ए बायोजेनेसिस जो है वो हमें लगता है कॉमन है, यानी कि कुछ नहीं से लाइफ आना पॉसिबल है। और हम लोग लैब में ऑलमोस्ट छू लिए हैं, ऑलमोस्ट मतलब समझिए एकदम यहाँ पे लेवल है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट छू रहे हैं। तो दिख रहा है कि मतलब कि एक होता ना कि अरे पाउडर से लाइफ कैसे आ जाएगा, हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच रहे हैं। ऑब्वियसली इवोल्यूशन का जो लंबा लाइफ स्पैन है, जो लंबा स्टेप्स वो ले गया है, तभी हम लोग इतने रिफाइंड बने हैं। लेकिन ये स्टेप लेना इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो एक बार धरती पे हुआ था, यानी हज़ारों प्लैनेट्स में ऐसा होना चाहिए। तो करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बायोजेनेसिस, यानी कि कुछ नहीं से कुछ, बहुत आराम से होना चाहिए। जहाँ पे अमीनो एसिड्स बने, जहाँ पे लिक्विड वाटर हुआ, जहाँ पे इकोसिस्टम ऐसा हुआ कि वाटर एकदम कंटिन्यूसली बॉइल नहीं कर रहा है, मतलब कि विद इन मतलब समझिए अर्थ जैसा स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिसे हम लोग कहते हैं, वैसा सिचुएशन होगा, तुरंत हो जाना चाहिए। क्या अर्थ जैसा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ये सब मिल रहा है आराम से? बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, एकदम बगल में नहीं है कि मतलब यहाँ से हम चले अल्फा सेंचुरी पहुँच गए वहाँ पे है, वैसा नहीं है, लेकिन है, हमारे दिख रहा है ऑब्जर्वेटरीज में कि है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वो कॉमन होना चाहिए, हमारा सारा केमिस्ट्री कह रहा है कि ये होना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये होता ना कि वहाँ से हमारे बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं, और हमारे से गैलेक्टिक डोमिनेटिंग सोसाइटी, गैलेक्टिक एम्पायर, उसके बीच में भी बहुत सारे स्टेप हैं। तो हम लोग कहाँ पे हैं? तो हम लोग ए बायोजेनेसिस क्रॉस कर लिए, ए बायोजेनेसिस से सिंगल सेल लाइफ फॉर्म तक क्रॉस कर लिए, सिंगल लाइफ से मल्टी सेलुलर लाइफ तक क्रॉस कर लिए, मल्टी सेलुलर से इंटेलिजेंट क्रॉस कर रहे हैं, इंटेलिजेंट से एक्चुअली मतलब कि जब अपना सोलर सिस्टम छोड़ेंगे कि हाँ भैया नहीं ये स्टार सिस्टम से बाहर कूद सके, तब हमारा स्टेज टू होगा। तो वही समझिए, इसे फिल्टर वही कहते हैं, लाइफ होना, ए बायोजेनेसिस लेवल 1, लेवल 2 मल्टी सेलुलर, लेवल 3 सिविलाइजेशन, लेवल 4 कॉलोनाइजिंग यूनिवर्स। अभी तक कोई डेटा नहीं है जो ये कॉलोनाइजिंग यूनिवर्स कंप्लीट कर चुका है।
तो ये हमारा ग्रेट फिल्टर का अंडरस्टैंडिंग आता है। इसी को मतलब मैंने नीचे एक अच्छा डिस्कशन दे दिया है, आई थिंक उसी प्रोफेसर का जिनके चलते ये कहा जाता है ग्रेट फिल्टर, तो आप देख सकते हो। तो वही समझिए कि स्टेप्स जो है हमें नहीं पता, और बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है कि आप आराम से, हमारा टेक्नोलॉजी अच्छा हो, हम लोग मान लीजिए जाते हैं 500-600 प्लैनेट स्टडी करते हैं अलग अलग स्टार्स पे, पाते हैं सब में सिंगल सेल लाइफ है, लेकिन किसी में मल्टी सेलुलर नहीं हुआ, तो यानी कि फिल्टर हमारे पीछे है, ये फिल्टर में ही सब लोग फंस रहे थे, हम लोग ये फिल्टर क्रॉस कर लिया। उल्टा भी हो सकता है कि हम लोग मान लीजिए आगे जाते हैं और खूब सारे प्लैनेट्स दिखते हैं, लेकिन होगा कि वो सारे प्लैनेट्स बूम हो चुके हैं, मतलब अपने में लड़ झगड़ के बूम हो गए, हम लोग तब उस टाइम रहेंगे इकलौते जो ये फाइनल स्टेज पे आ चुके रहेंगे यूनिवर्स मतलब कॉलोनाइजेशन, हम लोग कॉलोनाइजेशन कर पा रहे हैं लेकिन बहुत सारी स्पीशीज हमारे तक आके अपने में लड़ के बूम हो गई, कॉलोनाइजेशन वाला स्टेप नहीं क्लियर कर पाई, तो उसे कहेंगे कि हमारा फिल्टर जो है आगे है। तो यहाँ से यहाँ तक का जर्नी हमारा हो चुका है। अब ये जर्नी आसान है कि हार्ड हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज ऑफ वन है, यानी कि अगर हम 4-5 स्पीशीज़ को देखें तब हमें पता चलेगा कि कौन स्पीशीज़ कितना टाइम लिया, कौन स्टेजेस में ज़्यादा बार फंसा, उस प्लैनेट की क्या बायो हिस्ट्री रही है, वो सब देख के आप कैलिब्रेट कर सकते हो। अभी हमारे पास इसका डेटा कैलिब्रेशन नहीं है, सिर्फ एक वेक्टर है तो कैलिब्रेट डेटा है नहीं, लेकिन मतलब अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं भैया फिल्टर हम पार कर लिए, पैसिमिस्ट हैं फिल्टर आने वाला है जो बैंड बजाता है। तो ये है मैथमेटिकली फैक्चुअली ये है, हमें बस नहीं पता कि कहाँ पे है, मतलब फिल्टर हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि करने वाले हैं, कि मतलब आने वाला टाइम में फिल्टर आएगा। तो ये एक सीरियस मैथमेटिकल डेटा पॉइंट है, मतलब ये सब जो बात कर रहे हैं ये सब फैक्चुअल है, ये ऐसी बात नहीं कि हुलूलुलू कर रहे हैं, ये फैक्चुअल बात है कि भैया होता ना कि मतलब क्लास वन पास कर लेना गारंटी नहीं देता कि आप PhD कर लोगे, क्लास वन बस आपको क्लास वन का साथ देता है कि आपने क्लास वन पास किया, क्लास टेन पास करोगे, क्लास ट्वेल्व करोगे, उसके बाद कॉलेज करोगे, यूनिवर्सिटी करोगे, तो वो सब अलग स्टेप्स होता है। तो हमें नहीं पता कि फिल्टर कहाँ तक अभी क्लियर हुआ है, क्योंकि हमें पूरा मतलब कोई पहली बार दूसरा कोई है नहीं जिससे डबल चेक कर सकें, और हम जो फाइनल स्टेप मान रहे हैं यानी कि कॉलोनाइजिंग द यूनिवर्स या एटलीस्ट अपना गैलेक्सी तो संभालिए लो, तो वो स्टेप जब नहीं, अगर उसे हम लोग करेंगे फाइनल है, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं ना अभी। तो अगर वो पहुंच जाते कि जैसे ही इंसानियत मल्टी प्लानिटरी हो गया और मल्टी स्टेलर हो गया यानी कि बहुत सारे स्टार्स में फैल गया, तब हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि तब कोई भी एक ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जो पूरा इंसानियत को बूम कर सके। तो वो हमारा समझ लीजिए एवोल्यूशन का फाइनल स्टेज कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं भैया अब इंसानियत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भले परेशान कर सकता है लेकिन कोई कुछ खास नहीं बिगाड़ सकता जब तक इसके लेवल का कोई ना आ जाए। अब बात करते हैं कि तो हम लोग हैं कहाँ, मतलब टोटल फिल्टर्स हैं, डिस्टेंस है, सब चीज़ है, लेकिन हम लोग हैं कहाँ, गैलेक्टिक टाइमलाइन में हम लोग कहाँ हैं या यूनिवर्स के टाइमलाइन में। तो ये समझिए कि अगर आप घड़ी बनाने के लिए आपको कुछ चाहिए ना कि कुछ हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि हम लोग लाइफ स्पैन को एक यूनिट मानते हैं कि भैया एक इंसानी लाइफ स्पैन, एक जनरेशन को हम लोग 30 साल कहते हैं, लाइफ स्पैन को 90 मानते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमें कुछ चाहिए जिससे हम लोग कॉन्टेक्स्ट दे सकें। तो यूनिवर्स में क्या चीज़ पे कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि कॉस्मोलॉजी में क्या है जिसको लोग कॉन्टेक्स्ट मानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टार्स। तो स्टार्स में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, आपका ओ हो गया, बी हो गया, ए हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, के हो गया, एम हो गया, बहुत सारे स्टार के कैटेगरीज होते हैं। तो अगर इनको हम सैम्पल साइज मानते हैं कि भैया स्टार्स से हम लोग मतलब ये लगाते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स किसके बगल में होगा, स्टार्स के बगल में होगा, स्टार्स है तो प्लैनेट है, स्टार्स बूम हो गया, प्लैनेट खत्म हो गया, तो स्टार्स एंकर पॉइंट मिलता है कि स्टार बनेगा, उसके बगल में प्लैनेटरी डिस्क बनेगी, वो डिस्क कोलैप्स करेगा, फिर धीरे धीरे उसमें प्लैनेट्स बनेंगे, धीरे धीरे वो रहेगा, फिर स्टार बूम होगा सुपरनोवे में या हाइपरनोवे में या नोवे में, मतलब डिपेंड हो सकता है कि स्केल में जाता है, उसके बाद वहाँ पे तबाही हो जाएगी। तो एक लाइफ स्पैन लिमिट हम लोग को मिल रहा है कि नहीं, स्टार से ही बंधे हुए हैं सारे प्लैनेट, प्लैनेट बिना स्टार के नहीं चलने वाला है। तो उसको अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग कहाँ हैं, राइट, मतलब कि ये हमें दिख रहा है कि भैया स्टार है, सन है, तो सन का पास्ट में क्या हुआ, सन बना, उसका एक डस्ट क्लाउड बना, वो डस्ट क्लाउड कोलैप्स किया, वो कोलैप्स करते 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 धीरे धीरे उसमें प्लैनेट्स बने, प्लैनेटरी रिंग्स बना, धीरे धीरे सब चीज़ हो गया, तो वो तो पास्ट हो गया। तो आगे कितना बचा है जब स्टार बूम हो जाएगा, ठीक है, हमें पता है स्टार का डेथ होना है, लेकिन कितना दिन बाकी है, ज़्यादा नहीं, बस 5 बिलियन ईयर्स बचे हुए हैं, तो चिल रही है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। तो वही समझिए कि हम लोग अभी गाड़ी बहुत टाइम बचा हुआ है, हमारे ही कॉन्टेक्स्ट में देखिए, और हमारा स्टार सबसे छोटा स्टार नहीं है, एम क्लास स्टार नहीं है, तो हमारे पास लाइफ स्पैन बहुत बचा हुआ है। और ये समझ लिया कि मीडियम स्टार मतलब हम लोग कहते हैं मेन सीक्वेंस, जो आप लोग बार बार सुनते होंगे स्टार ट्रैक में बोला जाता है मेन सीक्वेंस स्टार, बात है अगर हम लोग जितना स्टार ऑब्जर्व किए, स्टडी किए, सबको एक ग्राफ में डाल दिए, तो जो स्टार एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आते हैं, तो एक पूरा पैटर्न बन गया कि ये सारे स्टार हर जगह मिलते हैं, तो उसे हम लोग मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं, कि ये भैया नॉर्मल है, घास जैसा है, हर जगह मिलता है। फिर कुछ कुछ ज़्यादा नौटंकी स्टार हो गए जिसमें व्हाइट ड्वार्फ्स आ जाए, कुछ कुछ जगह रेड, ये समझ लिया रेड फील्ड स्टार भी हम बहुत सारे, तो वो सब आ जाते हैं। तो ये समझिए कि अर्ली यूनिवर्स को आप लेते हैं, यानी कि बिग बैंग के बाद से आप लेते हैं, तो अर्ली यूनिवर्स में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा क्यों,
कुछ था ही नहीं, जैसे कहते हैं ना क्वांटम फ्लक्चुएशन वाले फेज में क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि अभी एटम्स नहीं है, जिसे आप और हम आज एटम्स कहते हैं वो बन रहा था उस टाइम में। और इन्फ्लेशन का स्पीड उस टाइम यानी बिग बैंग जो एक्सपेंशन हुआ वो बहुत ज़्यादा रेट का था, मतलब उसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा वो स्पीड पर था। तो वही समझिए कि हम लोग को ये सब दिख रहा है, यही सब के लिए हम लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया है, सब डेटा निकल कर आ रहा है और ये सब प्रिसाइसली हम लोग टाइम डाल पा रहे हैं कि भैया 400 मिलियन ईयर से पहले तो समझिए स्टार्स भी नहीं थे, सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन न्यूक्लियाइज थे, मतलब एकदम बेयर नेकेड यूनिवर्स था। तो यहाँ पे कोई बोल दे कोई स्पीशीज हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा फूक लिया था, नहीं होने वाला है क्योंकि एटम्स ही नहीं है, मतलब अर्ली स्टेज ऑफ एटम प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ से आप चलते हो जिसे हम लोग कहते हैं डार्क स्टेज, क्योंकि स्टार ही नहीं था, इग्नाइट हुआ, फिर इग्निशन वाला स्टेज हुआ जो 400 मिलियंस खा गया। तो ऐसे ऐसे आप घड़ी से हटाते जाइए तो कितना दूर तक आएंगे, अभी का हम लोग देख लिए यहाँ है और यहाँ तक होता है तो सिर्फ मिलियन ईयर्स का बात हो रहा है, 400 मिलियन ईयर्स का, 1 बिलियन भी नहीं है। तो भैया तुरंत मतलब तब भी दैट स्टिल गिव्स यू लाइक व्हाट, मतलब आराम से 10 बिलियन टाइम देता है, तो 10 बिलियन में क्यों कुछ नहीं हुआ। बात ये समझिए कि स्टेलर एवोल्यूशन यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने का जो हमारा करंट स्ट्रक्चर है ये बहुत धीमा प्रोसेस है। बिग बैंग के बाद समझिए लाइट एलिमेंट्स बन गया, लेकिन जो आप पीरियोडिक टेबल देते हैं वो कहाँ से आ गया तब। अगर आप स्टेलर का फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि आपका हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, तो उसके बाद क्या होता है, हीलियम के बाद उसके भारी कुछ बनता है, फिर उससे भी भारी बनता है, ये सब तक चलता रहता है जब तक वो आयरन नहीं पहुंचते। आयरन जहां बनता है मतलब स्टार का कोर जहां आयरन फ्यूज करने का कोशिश करता है, प्रॉब्लम ये होता है कि आयरन फ्यूज हो जाता है लेकिन वो एनर्जी पॉजिटिव की जगह एनर्जी नेगेटिव हो जाता है, यानी कि वो मैटर मतलब एनर्जी देने की जगह एनर्जी खाने लगता है, घटक जाता है एनर्जी, वहीं पे आपका जो स्टार है वो बूम हो जाता है कि भैया उसका जो उसको स्टार जो है एक बैलेंस है, तराजू है, वो तराजू के अंदर में है न्यूक्लियर फ्यूजन फोर्स यानी कि वो बाहर पुश कर रहा है, उसका वजन यानी कि ग्रेविटी उसे कोलैप्स करना चाह रही है, ये दोनों के बीच का बैलेंस है, थैनोस चल रहा है, जब तक थैनोस है इसी को हम लोग स्टेबल लाइफ स्पैन कहते हैं, जहां वो एक चीज़ जीतेगा इसमें कौन जीतेगा, ग्रेविटी जीतेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी खत्म नहीं होगा, वो पैसिव फोर्स है, वो हमेशा रहेगा, आपका फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो फ्यूल खत्म हुआ अब वो कंप्रेशन होगा। और कई बार इसी टाइम में स्टार इग्नाइट कर सकता है, क्यों, मान लीजिए उसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं था, जैसे मान लीजिए एकदम छोटा स्टार था बेचारा, उसको पूरा हाइड्रोजन 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 किया, हीलियम दबा ही नहीं पा रहा बेचारा, हमसे नहीं होगा भैया, हम इसको फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, ग्रेविटी बोलेगा अब तो हम जीतेंगे, ग्रेविटी दम लगाएगा, दम लगा दिया ग्रेविटी, दम लगा दिया ले, अब तो इसके पास एनर्जी आ गई, कंप्रेशन एनर्जी बढ़ गया, अब ये हीलियम फ्यूज करने लग जाएगा, भैया अब तो हम हीलियम संभाल लेंगे, बूम बड़ा हो जाएगा, रेड जायंट फेज जिसे कहते हैं। तो ऐसा समय ये जो लोग स्टेलर बायोलॉजी में कह रहा हूँ, स्टेलर जो मतलब एवोल्यूशन पढ़ते हैं वो आपको एक्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन कौन स्टार का कौन कौन स्टेप्स है, और हम लोग को एलिमेंट में पता है कि आयरन तक कहाँ से आते हैं। अब एक समस्या आती है कि भैया आयरन के बाद भी तो बहुत चीज़ है, वो कहाँ से आ गया, वो आता है बूम स्टेज से, यानी कि जब ये होता है, जब स्टार जो है फाइनली बड़ा स्टार, खासतौर पर ब्लू स्टार, एकदम बम बम यानी कि ओ बी ए सीरीज के स्टार्स जो है ये पूरा एकदम जी जान लगा रहे हैं, फ्यूल पूरा गटा गट गट के जा रहे हैं, घटक लिए फ्यूल, फ्यूल खत्म, फ्यूजन दबाए, वो हैवी एलिमेंट्स पाए और हैवी पे आयरन पहुंचे, अब सर अब तो ग्रेविटी ही जीतेगा क्योंकि आयरन के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, कंप्रेस हो रहा है और कंप्रेस हो रहा है, एक पॉइंट के बाद वो कंप्रेशन इतना ज़्यादा एनर्जी यील्ड कर देता है कि बूम हो जाता है। या इस टाइम में आपको वाइट डॉर्फ मिल सकता है या ब्लैक होल मिल सकता है, तो ये बाद में देखिए कि क्या मिलता है, लेकिन जो निकलता है इजेक्शन होता है जैसे मास इजेक्शन कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये होता है आपका जहाँ पे स्टेलर नर्सरी समझ लीजिए, यहीं पे आपके सारे हैवी एलिमेंट्स बनते हैं। ये जो स्टार जब बूम होता है वो इतना ज़्यादा एनर्जी निकालता है कि वो एनर्जी से आपके हैवी पार्टिकल्स बनते हैं, यानी कि यूरेनियम मतलब जितना भी चीज़ हैवी है, मतलब आपका गोल्ड प्लैटिनम जितना भी चीज़ बम बम है, आयरन से बहुत नीचे है, वो सारा चीज़ यहीं सबसे आता है। तो समझ लीजिए कि यानी अगर आपको एक जनरेशन वेट करना है स्टार्स के बनने का, उसके पूरा लाइफ स्पैन खत्म होने का, उसके बूम होने का, अगर वो बूम होता है तभी जाके वो हैवी एलिमेंट्स यानी कि आयरन के नीचे का एलिमेंट्स, आयरन के नीचे भी क्या कहें मतलब, क्योंकि अगर वो स्टार बूम नहीं होता है तो आयरन जो बन रहा हो तो स्टार के कोर में, उसका कोई मतलब नहीं है उस टाइम पे। अगर आप जाते हो आपको सिर्फ जुपिटर मिलेगा, कुछ मतलब रॉकी बॉडीज़ तो बनेंगे नहीं, कि रॉक्स बनाने के लिए मटीरियल्स नहीं, मिनरल्स नहीं है, तो मिनरल्स तक आने के लिए आपको ये होना चाहिए, और ऐसे एक स्टार से तो इतना मटेरियल नहीं निकलेगा, कई लाख स्टार से ऐसे बूम होंगे, पूरे गैलेक्सीज में होंगे, मल्टीपल गैलेक्सीज में होंगे, तब जाके एक फेज़ आएगा जहाँ पे कि हाँ अब हैवी पीरियोडिक टेबल पॉसिबल है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में मटेरियल्स आ गए हैं। ये समझिए ऐसे कहते हैं स्टार सीडिंग फेज, कि स्टार जो है अब हो रहा है कि भैया एक फेज जनरेशन आया वो बूम हो गया, उसने जो कहते हैं ना स्टार स्टफ, वो स्टार स्टफ हर जगह डाला, वो स्टार स्टफ अब दूसरा जनरेशन जो स्टार बनेगा, जैसे सन जैसा कोई स्टार बन रहा है उसके बगल में क्लाउड बनेगा, उस क्लाउड में कोलैप्सिंग होगी, उस कोलैप्सिंग में धीरे धीरे प्लैनेट्स निकलेगा, वो प्लैनेट के पास मटेरियल होगा जो आयरन से नीचे तक भी हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उससे समझ ब्लू स्टार्स ने अपनी कुर्बानी दे दी है,
उन मतलब समझिए वो फर्टिलाइज कर चुका है नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये सब थोड़ा धीमा स्टेज है, ऐसा नहीं होता कि ब्लू स्टार ही बस सही है। स्टार जितना बड़ा होगा उतना जल्दा छोटा लाइफ स्पैन होगा, यानी कि स्टार का लाइफ स्पैन ऐसे ग्राफ में किया जाता है और इसे हम लोग मतलब नापने के लिए इसको ऑब्वियसली 10^7, 10^8, 10^9, 10^10 बड़े बड़े नंबर्स हैं और ये सब लाइफ टाइम इन ईयर्स करके नापते हैं। तो अगर आपका मास जो है इसे हम लोग कंपेरेटिवली करते हैं कि सन से कितना बड़ा या सन से कितना छोटा, तो अगर सन से 30 गुना बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होगा, 10^7 से थोड़ा ज़्यादा, 7.1 मान लीजिए। फिर वो आप उसका वजन छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ जितना छोटा लाइफ स्पैन उसका भागना शुरू हो जाएगा। यानी कि जी स्टार अगर आप मानते हो बहुत छोटा हल्का स्टार है, वो स्टार्ट हुआ वो अपना चाइल्डहुड भी नहीं क्रॉस किया तब तक ब्लू स्टार आया, बना, बूम हो गया, ख़त्म हो गया। और अभी जी स्टार बोलेगा भैया हम तो बहू ही हैं। बहुत बड़ा अंतर होता है, ओ स्टार और एम स्टार का लाइफ स्पैन के बीच का अंतर बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। तो हिसाब वही समझिए कि शुरू में तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि मटेरियल नहीं है सर, पीरियोडिक टेबल खाली है ही नहीं सर, पीरियोडिक टेबल पूरा। तो वो सब एक पूरा एक लाइन बना देता है कि भैया हैवी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बन ही नहीं सकता क्योंकि लाइफ चलाने के लिए एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स खाली है सर। तो ये एक लिमिट बना देता है। और जैसे आपको बोला लेड हो जाए, यूरेनियम हो जाए, हर चीज़ का कोई ज़रूरत है हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो मतलब लाइफ यूज़ करता है, प्लैनेट्स यूज़ करते हैं, तो वो सब होने चाहिए तब ना आप उसका करोगे। तो वही समझिए अर्ली ईयर्स वाइबल नहीं था, यानी कि बिग बैंग के जब फर्स्ट स्टार का इग्निशन हुआ उस टाइम में कोई एलियन क्यों नहीं हुआ, मटीरियल नहीं थे। तो हम लोग का मतलब थमेटिकली मैथमेटिकली अगर आप देखते हो तो हिसाब आता है कि हम लोग एसैप हैं, यानी कि जैसे ही यूनिवर्स उस कंडीशन में आया कि भैया लाइफ सस्टेन हो सकता है, हम लोग हमारा प्लानट उस जगह पर आया कि भैया प्लानट ये हो सकता है कि भैया लाइफ आप दे सकता है और प्लानट को कोई बूम नहीं कर रहा, कोई एस्ट्रॉयड या मीटियोराइड, ये भी एक समस्या है कि मान लीजिए एक जनरेशन पूरा प्लानट बन जाता है, ठीक है, और उसका वो मान लीजिए एफ स्टार को ही सर्किल कर रहा है, यानी लाइफ स्पैन बहुत लंबा नहीं है, लेकिन वो प्लानट बना, ठीक है, लाइफ उस पर स्टार्ट हुआ, अब बीच में एक एस्ट्रॉयड आके बूम मार गया और बहुत ज़्यादा जोर से बूम मारा, लाइफ रिकवर नहीं कर पाया, और या लाइफ रिकवर करना शुरू किया तब तक एफ स्टार बोला भाई हमारा टाइम एक्सपायरी डेट आ गया, हम बूम हो जाते हैं, खत्म सर। तो बोल रहे इसी, ये भी एक फिल्टर है कि मतलब स्पेस आपको कितना प्यार दे रहा है। हमारे केस में हम लोग लकी हैं कभी जुपिटर संभाले हुए, जुपिटर बोला भाई थारा भाई संभाल लेगा, सारे बड़े बड़े एस्ट्रॉइड को वही बोलता है भैया किधर जा रहे हो, हमारे ग्रेविटी में आ जाओ, वो संभाल के रखा हुआ है बहुत सारा चीज़ को, जुपिटर सैटर्न ये सब संभाल लिए, हमारे वैक्यूम क्लीनर घूमते रहते बाहर में सफाई करते रहते हैं, हर प्लैनेट के पास वो वैक्यूम क्लीनर नहीं होगा। तो एक सीरियस मतलब लॉजिकली देखें ठंडे दिमाग से तो हिसाब ये आता है कि शुरू में तो कुछ हो नहीं सकता, तो ऐसे ऐसे काटते काटते हम लोग जो आज का टाइम पे ही आते हैं, घूम फिर के आज का टाइम पे ही आते हैं या थोड़ा सा पहले, ऐसा नहीं होते ओ 10 बिलियन ईयर्स पहले, क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा पहले नहीं जा सकते हैं। तो रियलिस्टिकली हम लोग एसैप हैं। और रहा बात की इसका कि ये मतलब भी आराम से हो सकता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में या हमारे अगल बगल वाले किसी स्टार्स में ही ऑलरेडी लाइफ बन चुका है, वो भी हमारे लेवल पे है, लेकिन उसे कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं क्योंकि डिस्प्लेस्ड है अभी आराम से, मतलब समझ लीजिए 100 लाइट ईयर की दूरी पे कोई है और वो एक अर्ली स्टेजेस पे है, यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन वो स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिन में, वो हमें 100 साल बाद पता चलेगा, मे बी वो 100 साल पहले भेज चुके हैं, हम लोगों को कुछ दिन बाद पता चलेगा, या उसके बाद ये भी समस्या हो सकता है कि वो इतना दूर है कि सिग्नल नॉइज़ में खो जाएगा, हमें उतना ठीक से नहीं क्लियर कट मिलेगा, और अनलेस वो देख रहे हो और उनके पास भी यही प्रॉब्लम है, वो हमें 100 साल पीछे देख रहे हैं, 100 साल पहले तो हमारे पास रेडियो था ही नहीं मतलब जो अच्छा ट्रांसमिशन कर सके। तो वही समझिए कि हम लोग अर्ली हैं और ये हर स्पीशीज पे लागू होगा, तो आराम से हो सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में 50-60 हमारे जैसे स्पीशीज हैं, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप क्लियर करेगा यानी कि जो जंप मार पाएगा, ढप्पा मार पाएगा कि भैया हम स्टार से दूसरे स्टार पे ढप्पा मार पाए, वो सबसे फाइनल फिल्टर है, वो फिल्टर आप क्लियर किए तो नेचर आपको नहीं बूम कर सकता, तब आपको कुछ आपके लेवल या उसके ऊपर के लेवल का होके ही आपको बूम कर सकता, नेचर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब बोल रहे ना कि अरे स्टार्स तो खत्म हो जाएगा, अरे भैया अभी ओ जाएगा, बी जाएगा, ए जाएगा, एफ जाएगा, जी जाएगा, उसके बाद लाइफ बोल रहे लाइफ स्पैन भागना शुरू हो जाता है, उल्टा भागता है लाइफ स्पैन, इतना लंबा हो जाएगा नंबर की भाई टेंशन नहीं लेना। और बाय द वे ब्लैक होल भी एक तौर का स्टार है, उसे भी यूज़ किया जा सकता है, तो चिल रही है, हम लोग बहुत अर्ली है इसीलिए हमें कोई और नहीं मिल रहा, क्योंकि जितने बाकी सब भी होंगे वो भी अर्ली ही है। हो सकता है कि ऐसा एकदम क्लियर लाइन नहीं है या लाइन सब स्लॉपी है, तो आराम से हो सकता है कि 2 बिलियन ईयर्स पहले कोई स्पीशीज बना था, लेकिन हो सकता है कि वो फिल्टर में फंस गया, फिल्टर में जाम हो गया। तो देखिए ये सारा मैथमेटिकल डेटा है जो हमें पता चल रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि हम लोग को कोई मिल क्यों नहीं रहा है भाई, फिल्टर क्यों जाम हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो, अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद आया, मैं आपसे कहूँगा कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और फ्री है तो आपने रवि दिखा जो इनका मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।